जंगल में पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक बहुत ही पुराना झूला था। कोई भी इस झूले के पास नहीं जाता था। जंगल के परिंदों का यही मानना था उस झूले पे एक चुड़ैल रहती है जिसका नाम सुंदरी था। उसी पेड़ के पास एक और पेड़ था जिस पर टूनी और टुन्नू अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहते थे। एक दिन टूनी टुन्नू से कहती है, सुनिए जी, मैं सोच रही थी हम अपनी बेटी टुनटुनी की शादी कर देते हैं। आपको तो पता है ना जंगल में कितने हादसे हो गए हैं। वो सुंदरी चुड़ैल चुड़ियों को मार देती है, इसलिए मैं चाहती हूँ हमारी बेटी अपनी घर की हो जाए। टुन्नू टूनी से कहता है, टूनी तुम बिना वजह परेशान हो रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन टूनी टुन्नू की सुनती नहीं है। वो टुनटुनी की शादी मोंटू कबूतर के साथ करवा देती है। टुनटुनी मोंटू के साथ खुश रहती है। एक दिन टुनटुनी अपनी माँ से मिलने के लिए घर जाती है। टूनी टुनटुनी से कहती है, बेटा आज तुम और दामाद जी यहीं रुक जाओ, कल सुबह वापस चले जाना, काफी रात हो गई है, तुम जंगल का माहौल जानती तो हो ना। टुनटुनी टूनी से कहती है, जी माँ मैं जानती हूँ। फिर मोंटू और टुनटुनी रात में सो रहे होते हैं, तभी अचानक से टुनटुनी की आँख खुल जाती है। उसे झूले के पास से सुंदरी चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है, अरे ओ टुनटुनी आजा मेरी बच्ची, मैं तुझे झूला झूलाऊंगी, आ मेरे पास आजा। टुनटुनी मोंटू को जगाने की कोशिश करती है। वो मोंटू से कहती है, मोंटू जल्दी उठो, सामने झूले पर कोई है, वो मुझे बुला रही है। मोंटू टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी सो जाओ, काफी रात हो गई है और मुझे भी सोने दो। वही सुंदरी झूला झूलते हुए हंस रही होती है। जैसे ही टुनटुनी से खिड़की में से देखती है वो गायब हो जाती है। फिर टुनटुनी से देखने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे लगे हुए झूले के पास जाती है, मगर उसे कोई नजर नहीं आता है। यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है मेरा वहम होगा। चलो आई हूँ तो आज झूले पर झूल कर देख लूँ। माँ ने कभी इस झूले पर बैठने नहीं दिया, बचपन से मैं इस झूले पर झूलना चाहती थी। टुनटुनी उस झूले पर बैठकर गाना गाने लगती है, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, कह दो दिलों ने कि मिलकर कभी ना होंगे जुदा। अरे वाह मजा आ गया, चलो अब मैं चलती हूँ, मोंटू मेरा इंतजार कर रहा होगा। तभी चुड़ैल सुंदरी वहाँ पर आ जाती है और टुनटुनी को झूले से उतरने नहीं देती है। नहीं टुनटुनी, अब तू इस झूले से कभी नहीं उतर पाएगी, मैं तुझे मार दूंगी, तू भी मेरे साथ इसी पेड़ पर झूलती रहेगी चुड़ैल बनकर। टुनटुनी ये सुनकर डर जाती है और चिल्लाती है, मोंटू माँ बचाओ मुझे इस उल्टे पैर वाली चुड़ैल से। टुनटुनी की आवाज सुनकर मोंटू कबूतर टूनी और टुन्नू जाग जाते हैं और वो टुनटुनी के पास भागते हुए जाते हैं। और मोंटू कबूतर सुंदरी चुड़ैल से कहता है, ए चुड़ैल छोड़ मेरी बीवी को वरना मैं तुझे मार दूंगा, समझी, अपनी शक्ल कभी दोबारा आईने में देख नहीं पाएगी। सुंदरी मोंटू से कहती है, अच्छा तू मुझे मारेगा, चल मार के दिखा, देखूं कितना दर्द तेरे में। टुनटुनी चिल्ला रही होती है, मोंटू माँ बचाओ मुझे, ये मुझे मार देगी। जैसे ही चुड़ैल सुंदरी टुनटुनी को मारने वाली होती है तभी मोंटू झूले की रस्सी को काट देता है जिससे टुनटुनी झूले से नीचे गिर जाती है। टूनी टुनटुनी को पकड़ लेती है, तभी मोंटू झूले में आग लगा देता है। उसी झूले के साथ सुंदरी चुड़ैल भी जलने लगती है। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, मैं बदला लेने के लिए वापस जरूर आऊंगी। ये कहकर वो जलकर राख हो जाती है। तो ये थी आज की कहानी। कि आपको पता है सुंदरी चुड़ैल कहाँ पर रहती थी? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक दिन गोपी चिड़िया खाने की तलाश में अपने घर से बहुत दूर चली जाती है। तभी मौसम बहुत खराब होने लगता है। गोपी चिड़िया कहती है, हे भगवान ये सब क्या हो रहा है, मैं खाने की तलाश में काफी दूर आ गई हूँ और ये मौसम अचानक कैसे खराब हो गया, मैं तो घर वापस भी नहीं जा सकती।
लगता है आज रात मुझे यही इसी जंगल में गुजारनी होगी। चलो मैं वहाँ उस पेड़ पर जाती हूँ। जैसे ही गोपी चिड़िया उस पेड़ पर जाती है, वहाँ पर वो देखती है कुछ कौवे आपस में बैठकर बात कर रही होते हैं। गोपी चिड़िया उड़कर उस पेड़ पर जाती है। वो कौवे गोपी चिड़िया को देखकर हैरान हो जाते हैं। मैं आज रात इस पेड़ पर रुक सकती हूँ क्योंकि मौसम बहुत खराब है। मैं दाने की तलाश में यहाँ आई थी पर अब मैं वापस नहीं जा सकती हूँ, इसलिए आज रात आप मुझे यहाँ रुकने दें। तभी अहम कौवा गुस्से में गोपी चिड़िया से कहता है, नहीं, इस पेड़ पर हम रहते हैं, तुम यहाँ पर रुक नहीं सकती हो, जाओ यहाँ से भागो। बेचारी गोपी चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अब मैं कहाँ जाऊँ, बारिश भी होने वाली है, मुझे अभी तक कोई भी रहने का ठिकाना नहीं मिला है। तभी गोपी चिड़िया को एक पेड़ दिखाई देता है जिस पर कोकिला मैना और राशि चिड़िया बैठी थी। अब वो उनके पास जाती है। क्या आज रात मैं आपके पास यहाँ पर रुक सकती हूँ, मौसम खराब है, मैं कल ही वापस अपने घर चली जाऊँगी। देखो गोपी चिड़िया, तुम यहाँ पर रुक सकती हो लेकिन हम में से कोई भी तुम्हें अपने घोंसले में रहने नहीं देगा, तुम पेड़ की टहनी पर रुक सकती हो। अब बहुत तेज बारिश होने लगती है, वो चिड़िया भी गोपी चिड़िया की मदद नहीं करती है। मैं ऐसे तूफान और बारिश में कैसे रुकूंगी, मैं तो सुबह तक जी नहीं पाऊंगी, मुझे घोंसला बनाना होगा ताकि मैं आराम से रात गुजार सकूं। अब गोपी चिड़िया तिनके इकट्ठा करना शुरू करती है। तभी अहम कौवा उड़ता हुआ वहाँ पर आता है। गोपी चिड़िया, तुम क्यों बेवजह परेशान हो रही हो, इतने खराब मौसम में तुम घोंसला नहीं बना पाओगी, छोड़ दो ये कोशिश करना। नहीं अहम कौवे, मैं मेहनत करूंगी, जब तक मेरी जान है मैं अपना घोंसला बनाने की पूरी कोशिश करूंगी, तुम जाओ यहाँ से। अब गोपी चिड़िया हिम्मत और मेहनत से अपना घोंसला बना देती है और उसमें आराम से सो जाती है। अगले दिन मौसम सही हो जाता है। कोकिला मैना राशि चिड़िया से कहती है, चलो देख के आते हैं, वो गोपी चिड़िया जिंदा ही या मर गई? अरे वो गोपी चिड़िया मर गई होगी, कोकिला मैना तुम्हें नहीं पता कल कितना मौसम खराब था। अब वो दोनों गोपी चिड़िया को देखने के लिए जाती है। वो देखकर हैरान हो जाती है। गोपी चिड़िया अपने बनाए हुए घोंसले में आराम कर रही थी। हमें माफ कर दो गोपी चिड़िया, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया पर तुमने अपनी मेहनत और संघर्ष से रातों रात इतने खराब मौसम में अपना घोंसला बनाकर अपनी जान बचा ली। कोकिला मैना और राशि चिड़िया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ रुकने की जगह दी, चलो मैं चलती हूँ अपने घर। ये कहकर गोपी चिड़िया उड़ते हुए वहाँ से अपने घर चली जाती है। तो ये थी आज की गोपी चिड़िया के संघर्ष की कहानी। क्या आपको पता है गोपी चिड़िया को रहने की जगह कौन देता है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक गांव, एक जंगल में रानी चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही दयालु चिड़िया थी। कुछ दिन पहले ही उसके पति की हादसे में मौत हो जाती है। वो अपने अंडे के साथ अपने घोंसले में रहती थी। कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो तोते के पास जाती है। तोते भैया, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप मुझे दवाई दे दो ना। रानी चिड़िया, तुम्हारे मर्ज की दवा मेरे पास नहीं है, तुम्हारी हालत देखकर लगता है तुम कुछ ही दिनों की मेहमान हो। तोते भैया, मैं अकेली होती तो मुझे डर नहीं लगता, लेकिन मुझे अपने अंडे का डर है, उसका ख्याल कौन रखेगा? अगर आप बुरा ना माने तो आप इसे पाल सकते हैं। अरे रानी चिड़िया, तुम जानती तो हो मैं अकेला रहता हूँ, यहाँ पर खाने की तलाश में बाहर जाना पड़ता है, ऐसा करो तुम कौवे को दे दो, वो संभाल लेगा। अब रानी चिड़िया कौवे के पास जाती है। कालू कौवे, तुम मेरी मदद कर सकते हो, मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूँगी, तुम मेरे अंडे की हिफाजत करना। तभी कौवे की बीवी सुंदरी बोलती है, ना ना रानी बहन, मेरा भी अंडा है, उसकी हिफाजत करनी है, तुम किसी और के पास चली जाओ, हम रख ना पाएंगे तुम्हारे अंडे का ख्याल। बेचारी रानी चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। तभी कालू कौवा बोलता है, सुंदरी क्या हो जाता अगर हम उसके अंडे का ख्याल रख लेते, हमने कितना दाना चुरा कर खाया है उसका। तुम अपना मुंह बंद करो, आए बड़े मदद करने वाले। सुंदरी थोड़ी तो इज्जत किया करो, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरी जरा भी कदर नहीं करती हो। अब वो दोनों सो जाते हैं। तभी रात में कालू कौवा रानी चिड़िया के पास जाता है, मगर रानी चिड़िया मर चुकी थी। चिड़िया बहन, मुझे माफ करना, तुम
कितनी अच्छी थी, तुम हमें छोड़कर चली गई। लेकिन तुम फिकर मत करना, मैं तुम्हारे अंडे का ख्याल रखूंगा। अब कौवा चिड़िया का अंडा लाकर अपने घोंसले में रख देता है। अगली सुबह कालू कौवा सुंदरी को सब बताता है। कालू कौवे मुझे माफ कर दो, मैं वादा करती हूँ मैं इस अंडे का ख्याल अपने बच्चे की तरह रखूंगी। अब ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। अब दोनों अंडों में से एक खूबसूरत चिड़िया का बच्चा और कौवे का बच्चा निकलता है। कालू कौवा और सुंदरी उस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है रानी चिड़िया किससे दवाई लेने के लिए जाती है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।